Hey guys, I'm Gaurav and you are watching आपका अपना शो जिसका नाम है डियर डायरी। तो डियर डायरी में क्या होता है भाई, आप लोगों को कहानियां सुनाता हूँ। तो कहानियां कोई भी हो सकती हैं, इमोशनल, मोटिवेशनल या फिर आपकी जिंदगी से जुड़े हुए किस्से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानियों से। मेरा नाम साक्षी है। अकेले रहना जिंदगी में कितना मुश्किल है ये मुझे मेरे ब्रेकअप के बाद पता चला। इससे पहले एक भरे भरे परिवार में रह रही थी, अच्छी जगह जॉब कर रही थी और जॉब करते करते ऑफर आ गया किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का। तो भाई अब जाना हो गया मुंबई। मुंबई में जाना तो हो गया और एक्साइटमेंट भी इतनी थी कि बता नहीं सकती। अब मुंबई पहुंची, उसके पीछे एक राज ये था कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो वहीं रहता था मुंबई में। तब बड़ी तसल्ली हुई कि चलो जाऊंगी उसके पास, रहूंगी तो जिंदगी में कुछ अच्छा टाइम हम लोग स्पेंड कर पाएंगे। तो पहले 6 महीने मुंबई में जाकर पता भी नहीं लगा कब निकल गए। अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, बट धीरे धीरे हम लोगों के बीच में तल्खी आने लगी, मतलब रिश्तों में तल्खी आने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप जो होता है ना वो आपको अंदर से तोड़ देता है। आप साइकोलॉजिकल वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं और इवन की फिजिकली भी आपकी बॉडी पर असर दिखाई देने लगता है। और ये असर मुझ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए थे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मेरा डेली का रूटीन था। लेकिन कभी कभी इंसान जो करता है ना उसको बाद में पता लगता है कि उसकी वैल्यू क्या थी। अब हुआ यूं कि उसी दौरान कोविड की एंट्री होगी। अब कोविड आ गया, तो जैसे ही कोविड आया तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, अपने ऑफिस जा रही थी, ऑफिस से घर आ रही थी, कुछ नॉर्म्स थे उसको फॉलो कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में खराश है। तो धीरे धीरे उसके सीवियर जो रिएक्शंस थे वो मुझे दिखने लगे और मुझे पता लगा कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। लेकिन हाँ, इतनी पॉजिटिव नहीं थी, मींस इतना सीवियर नहीं था कि मुझे एडमिट कराना पड़े। मुझे घर में ही रखा गया, मैं घर में डॉक्टर्स की निगरानी में थी, तो अच्छा भी लग रहा था कि चलो एटलीस्ट इतने टाइम से मुझे को थोड़ा सा ऑफ तो मिलेगा। लेकिन एक चीज़ की बड़ी मुश्किलात होती है ना, मेरी जो रूममेट थी उसको वहाँ से जाना पड़ा। अब मैं इतने बड़े घर में अकेली, और मुंबई की एक खास बात पता है क्या, कि यहाँ चारों तरफ आपको ना इमारतें दिखाई देती हैं, लोग नहीं दिखाई देते, है ना, लोग मतलब आपके अपने नहीं दिखाई देते। जब भी आप बड़े किसी शहर में जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आपको हमेशा ये एहसास रहेगा ही रहेगा कि आप कुछ पीछे छोड़ आए हैं। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था, एक ब्रेकअप, ऊपर से कोविड, और मैं अपनी ज़िंदगी में घुट सी रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सारा वक्त अब ओवर थिंकिंग में, कुछ खाने में निकल जाता था, समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। लेकिन मुझे धीरे धीरे एहसास होना शुरू हुआ कि आपको भी शायद ऐसा कभी होगा, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है या जो लोग इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं उनको मैं बता दूं कि लाइफ में ना जब आप अकेला रहना शुरू करते हैं ना तो आपको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है, आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है ना। और मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने घर पे बिरयानी बनाई थी और खाने लगी तो मुझे स्वाद नहीं आया। अगले दिन सुबह नहाने गई तो साबुन की खुशबू नहीं आई। जब मुझे क्लिक हुआ कि यार मुझे तो कोविड है, तो ये अचानक से ऐसी चीजें आती है ना कई बार, तो हमें खुद को भी ध्यान नहीं रहता। लेकिन अब मसला ये था कि मुझे 14 दिन अकेले काटने थे। अब 14 दिन इज नॉट ए स्मॉल पीरियड। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब क्या ही तो करूँ, अब मेरी तबीयत में थोड़ी ठीक होने लगी थी। और कोविड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दिन आपको लगता है आप बिल्कुल सही हो, अगले दिन आपका शरीर जवाब दे देता है। तो मैं एक दिन ठीक ठाक थी तो मुझे लगा कि चलो घर की सफाई कर देती हूँ। मैंने पहली बार मुंबई में आकर अपने घर की पूरी सफाई अच्छे से करी, मुझे लगा कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उससे अगले दिन ही मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, मेरी बॉडी एक होने लग गई, मुझे अजीब सी घबराहट सी होने लगी और मुझे एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं है, कोविड से निकलना बहुत मुश्किल है और साथ साथ आपको अपने रिलेशन से भी निकलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब जिंदगी में आप ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे होते हैं ना, तब आपको दोस्तों की, अपने अपनों की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे साथ एक साथ दो चीज़ें हो गई, अब उधर से तो कोविड, उधर से ब्रेकअप, दो चीजों को मैनेज करना मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट काम रहा मेरी जिंदगी का। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बदलते गए ना, मेरी सोच बदलती गई और मैंने कहीं एक एडवाइस पढ़ा था कि टाइम हील्स एवरीथिंग, मेरे साथ वही हो रहा था कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था मुझे थोड़ा सुकून मिलता जा रहा था, थोड़ा मेरा रोना कम हो गया था, थोड़ी ओवर थिंकिंग कम हो गई थी। लेकिन अब मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से ऑफिस चली जाऊँ, बिकॉज मुझे पता था, ये क्लियर एक इंडिकेशन था कि अगर मैं ऑफिस जाऊँगी तो डेफिनेटली मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा और मैं काम में थोड़ा ध्यान देने लग जाऊँगी। लेकिन
ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ऑफिस से मुझे सख्त हिदायत थी कि आप 15 दिन की बजाय 25 से 30 दिन या फिर 2 महीने तक भी ना आए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी और इतना पैनिक था कि शायद सबको ऐसा लग रहा था कि कुछ मींस सबको किसी को भी कोविड ना हो जाए, है ना। तो शहर में कर्फ्यू सा माहौल था, मुंबई जो दिन रात नहीं सोता है ना, रात में उस शहर में और भी रौनकें होती हैं, वो बिल्कुल सुनसान पड़ा था। तो मुझे तब एहसास आया कि यार घर कितने अच्छे होते हैं ना, छोटी जगहें कितनी अच्छी होती हैं ना, घर खेत खलिहान है ना, छोटे छोटे शहर टाउन्स विलेजेस, वो कितने अच्छे होते हैं, वहाँ हम अपनी ज़िंदगी को कितने आसानी से जीते हैं। और ये बात मेरे दिल में घर भी कर गई जब मैं वहाँ रह रही थी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैं ठीक होऊंगी मैं सबसे पहले अपने घर जाऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जैसे ब्रेकअप से निकल रही थी तो एक चीज़ और भी मेरे सामने आ रही थी कि मुझे ना अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका भी आता है, आप ना यू एंजॉय योर कंपनी, आपके एक सेटअप बन जाता है ज़िंदगी का ना। मेरे साथ भी हो गया था, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, ऑफिस जाना, घर आना और आराम से रहना, आराम से कुछ खाना, कोई मूवी देख लेना और सो जाना। लेकिन अब चूंकि ऑफिस नहीं जा रही थी तो बस ये था कि मैंने सारी वेब सीरीज देख ली और सारी जो लेटेस्ट मूवीज आई थी नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजोन प्राइम से लेकर सब कुछ देख मारा। लेकिन वो बड़ा अच्छा समय भी था, लेकिन उस समय ने मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सिखाई वो ये कि इंसान चाहता तो है कि बहुत सारे लोगों के बीच में रहे, उसे अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन अगर एक बार, सिर्फ एक बार अगर आपको अपनी कंपनी का मजा आने लग गया ना, यानी कि आप अपने सेल्फ प्यार में पड़ गए, आपको खुद से प्यार हो गया कि यार हम लोग ना हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, मींस यार सामने वाले को बुरा ना लग जाए, है ना, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, है ना, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ या करती हूँ, तो मैंने ये चीज़ें सोचना बंद कर दी। मैंने कहा यार लाइफ इज़ माइन और मुझे अपनी कंपनी पसंद है तो आई एम ओके विद इट, है ना। और अगर आप धीरे धीरे अगर अकेला रहना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया सेल्फ रियलाइजेशंस और सेल्फ प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मेरा ये कहानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो लोग कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं होता, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मूव ऑन होता है बट इट टेक्स सम टाइम, है ना। लेकिन मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप एक रिलेशन से दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाएं। मूव ऑन का मतलब ये है कि शायद आप इतने मच्योर हो जाएं कि आपको लगे कि यार अब मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, आई कैन हैंडल माई सेल्फ बाय अलोन, है ना, मैं अकेला भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो बस यही मेरी कहानी थी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपको इस कहानी के माध्यम से कि ज़िंदगी में कभी अपनी खुद की कंपनी से प्यार करके देखो, यू विल गोना लव इट, आपको बहुत मज़ा आएगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, आपको अपनी बातें अच्छी लगने लगेंगी, आपको अपना टाइम अच्छा लगने लगेगा। तो बस जी ये थी मेरी खूबसूरत सी कहानी। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।